बैक टू आवर वीडियो। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं और योगी आए हुए हैं घूमने। तो यार अभी ना सुबह के 4 बज रहे हैं और इतनी ज़ोर से मुझे ठंड लग रही है ना यहाँ पे, पर ना यार मैं थोड़ी सी ना रोमांटिक भी हो रही हूँ। तो अभी देखते हैं योगी कहाँ पे, ये ना बीच बीच में पता नहीं कहाँ गया है वो ज़्यादा पागल सा। मैंने इसको कॉल की, इसका नंबर भी बिजी आ रहा है, तो अभी मैं इसको बुला के लाती हूँ, देखते हैं कहाँ पे। चलो हो, ये रात के 4 बजे तुम किससे बात कर रहे हो कॉल पे मुझे वहाँ पे छोड़ के? शर्म नहीं आती यार, सुनो किससे बात कर रहे हो सुबह सुबह? मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे साथ आई हूँ क्या यार? तुम तो यार ऐसे कर रही हो, तो ट्रिप पे तो छोड़ दो, यहाँ पे भी मार रही हो यार। क्या मतलब यार, मेरे साथ आए तो मेरे साथ रहो ना, बीच बीच में कहाँ बिना बात को गायब हो रहे हो? हाँ सुबह सुबह यार हाथ छोड़ रही हो तुम यार, ऐसे थोड़ी ना होता यार। तुम पागल हो गए, मेरे साथ आए क्यों थे फिर, इसी के साथ चले जाते? प्लीज यार फोन क्या, प्लीज क्या, प्लीज कौन है, कॉल करती हूँ अभी से बताती हूँ मैं। अरे कोई नहीं है यार, तुम बेवजह में सब कर। मैं पागल हूँ क्या तेरे साथ आई हूँ मैं पागल हूँ? अच्छा सुनो बेबी, क्या आई लव यू, क्या आई लव यू, क्या आई लव यू, समझ में नहीं आता यार। हमेशा मेरे मूड की ऐसी ऐसी धज्जियां उड़ाता है तू। मार लो यार तो। ले ले ले, कौन है, क्यों बात कर रहा है इससे, इसने किस लिए जरूरत है अब इसको? ये तो वही है ना, इसको छोड़ने के। मम्मी से बात कर रहा था सुबह सुबह घर पे यार। कलीग का कॉल है ये, कॉल एक बार देख ले यार। देख के ही बोल रही हूँ, मूड खराब कर देते हो यार जब देखता हूँ तब। यार तुमको यार कुछ समझ ही नहीं आता यार, जब देखो तब हाथ उठाने होते हैं तुम्हें यार। नहीं नहीं एक मिनट, उस दिन इसको छोड़ने के लिए तुम क्या किया, तुमने हमारी शॉपिंग डे स्किप कर दिया, ठीक है? आज तुम मुझे साथ लेकर आए हो, फिर भी मेरी कोई कद्र नहीं है तुम्हें इससे। यार मेरी बात तो सुन लो अब, अगर अभी मेरी मम्मी का कॉल निकला तो बताओ क्या करोगी, ये सारे के सारे थप्पड़ वापस करोगी? कैसे करूंगी, मैं दिखा दे रहा हूँ ना, कॉल डिटेल पड़ी है ना अभी लेटेस्ट। मैं देख के ही बोल रही हूँ ना। हाँ, क्या देख के, तुमने तो ऊपर से छीन लिया बस, तुम्हें तो कलिक कलिक दिख रही है यार। ये देखना ये कौन है यार, हद्दी होती है, मतलब ये मेरी मॉम का नंबर है, ठीक है, होम। हाथ छोड़ने से मतलब है बस, कुछ भी हो। तो मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम उठा नहीं सकते? यार मम्मी का कॉल है तो यार बात वहाँ करूंगा ना। तो एक बार बोल नहीं सकते, एक मिनट रुक जाओ, जब कटेगा तब बोलूंगा ना। मतलब मेरे साथ वहाँ कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो भी तुम्हें फोन पे ही लगे रहना है? यार 2 मिनट में ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी तुम 2 मिनट में यहाँ से पीछे गई हो यार, और ऐसे ना अच्छा नहीं होता यार, घर वालों से भी थोड़ी बहुत तो बात करूंगा ना। अब देखना मैं अपने घर वालों से ही बात करूंगी मैं। और फिर भी मैं मार रही हूँ यार, और ये नहीं है यार कि घर वालों से भी तो बात करूंगा यार, हद है यार, जब देखो तब। नहीं तो मैं अभी अपने घर वालों से ही बात कर लेती हूँ, ठीक है? मैं रहूंगी तुम्हारे साथ पर कॉल उन पे लगी रहेगी मेरी यार, हर बात में यार तुम्हें क्यों ऐसे मेरे से वो करनी होती है, झगड़े 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 यार। तो यार एक मतलब, प्यार करना नहीं आता क्या तुम्हें? एक मतलब बनता है यार, मम्मी से बात ना करूं, तुम बोल दो 4 बजे तुम्हारी मम्मी से क्या बात करनी है? ओले भाई, मैं ऐसे तुम्हें बोलूं तुम्हें कैसा लगेगा यार कि तुम्हें अपनी मम्मी से क्या बात करनी है? नाइट आउट है बिल्कुल, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती क्या लाइफ में? तो मम्मी कौन से कह रही है कि चिपकना मत, मम्मी कौन से कह रही है कि फोटो मत खींचना, मम्मी कौन सा कह रही है कि कॉफी मत पिलाना यार, मम्मी सिर्फ इतना कह रही है। कैसे तुम ना पहले ले आते हो और फिर बाद में तुम्हें घुमाना आता नहीं है मुझे। नहीं बेबी यार ऐसे मत किया करो, एक तो देखो तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो, इसके लिए तुम्हें ना माफी मांगनी चाहिए, पता है क्यों? यार मम्मी का कॉल था और तुम कलिक का नंबर लगा के पता नहीं क्या क्या मेरे को रैपट मार दिया यार, सॉरी ना। तुम्हारा हमेशा यही होता है यार, तुम्हें मारने का बहाना चाहिए होता है। तो यार तुम मुझे अकेला छोड़ के आ गए ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। नहीं अकेला छोड़ रहा है यार, कभी अकेला छोड़ता हूँ क्या? अभी तुम छोड़ के आए थे यार, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, अब आएगा आएगा, तुम तो आए ही नहीं, फिर मुझे गुस्सा ही आ गया, सॉरी। चले यार, यार मुझे बहुत ज्यादा ना ठंड लग रही है, हक दे दो बहुत सही सा। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं यार कुछ भी करोगी। कुछ भी कहाँ किया है, पिटाई तो की है बस तुम्हारी थोड़ी सी। पिटाई की है थोड़ी सी, थोड़ी सी। यार हद है यार, ऐसे मत किया करो ना, प्यार करता हूँ इसलिए फायदा उठाती हो क्या? और मैं नहीं चाहता यार कि मैं कभी भी तुमसे कुछ ऐसा बोलूं जिससे कि यार तुम्हें थोड़ा सा भी यार बुरा लगे, क्योंकि मैं ना एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। चाहते नहीं हो तुम, हो लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे ना बीच बीच में गायब मत हुआ करो, मेरे को गुस्सा। तुम मेरे साथ घूमना है, मेरे साथ घूम लो ना, तुम्हें क्यों इतने ड्रामे करने हैं? तुम्हारे साथ ही घूम रहा हूँ, तुम्हारी हर एक बात पूरी कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा बात करने लगे, तुम पीछे की साइड दी इतने में, तो यार तुम इतनी जल्दी क्यों इरिटेट हो जाती हो यार? यार मुझे हो रहा है, मुझे नहीं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, चलो अभी तो मेरी मम्मी का कॉल था, मैं दिखा दिया तुम्हें, गलती से भी किसी और का कॉल होता तो तुम्हारे ऊपर तो तांडव करने लग जाती एकदम से, भोले बाबा वाला है ना, तुम्हारा मुंह तोड़ देती फिर मैं अभी इसी टाइम। चलो
ये भी नहीं तुम्हें लग रहा कि यार तुमने बॉयफ्रेंड को पीट दिया, थोड़ा बहुत इससे ना रिग्रेट कर लूं कि यार गलती से हो गया ये वो, इसमें भी ना अभी ये दिखा रही हो कि हाँ क्या हो गया, पीट दिया तो पीट दिया। तो मैं तुम्हें नहीं पीट सकती, इतना हक नहीं है मेरा तुम्हारे ऊपर। यार देखो गलतियां जब होती है ना तब तो इंसान पीटे तो समझ आता है, अब गलती भी नहीं फिर पीट भी तो तुम क्या करोगे यार, लो मुझे उल्टा मार लो, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। यार नहीं यार ऐसे मत बोलो मुझे, तुम मुझे पीट भी लोगी ना मैं तब भी नहीं ऐसे करूंगा, पता है क्यों? बिकॉज आई लव यू बेबी, आई लव यू। चलो जल्दी से चलो, आई एम सो सॉरी। अभी ना कुछ यार ठंडी लग रही है, कुछ करते हैं चलो।